राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। इस कार्यक्रम में दादाजी मोर के बारे में बताएंगे। आलेख जीडी शर्मा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई सब इंतजार कर रहे हैं ना दादाजी का, तो लो बातचीत करो अपने दादाजी से। राम 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 बच्चों, राम राम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मोर तो तुमने देखा ही है। कौन है मोर और कौन मोरनी, ये भी तुम पहचानते हो ना? ओए होए, अरे भाई हमारे गांव में तो मोर खूब मिलते हैं। इनको पीहू पीहू बोलते हुए भी जरूर ही सुना होगा। क्यों, सुना है ना? हाँ दादाजी, जब मैं एक बार छत पर सो रही थी तो मोर बहुत जोर से पीहू पीहू बोलने लगे। मुझे तो बहुत डर लगा दादाजी। डर तेरे की, अरे डरपोक कहीं की। मोरों को खटका हुआ होगा या उन्होंने कहीं धमाका सुना होगा तो कूकने लगे होंगे। अरे वर्षा के मौसम में जब बादल गड़गड़ाते हैं तो मोर कूकने लगते हैं। बंदूक या पटाखे की आवाज पर भी मोर कूकने लग जाते हैं। तो मोर डरपोक होते हैं दादाजी? अरे नहीं भाई नहीं, मोर डरपोक नहीं होता। वो तो खटका होते ही चौकन्ना हो जाता है। रात में पेड़ों की ऊंची डालियों पर जा बैठता है। अरे जरा सा खटका हुआ कि मोर कूका। रात में किसी अजनबी आदमी को देखते ही मोर जोर जोर से कूकने लगता है। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब ये बताओ इनमें कौन ज्यादा सुंदर होता है, मोर या मोरनी? अरे सुंदर तो मोर ही होता है। इसकी गर्दन नीली और चमकीली होती है। इसके पंख भी बड़े रंग बिरंगे और चमकीले होते हैं। अच्छा बच्चों, मोर के माथे पर क्या होती है, बताओ बताओ? हैं? नहीं जानते ना? पूछो क्या होती है। क्या होती है दादाजी? ओए होए, अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है। मोर के माथे पर बड़ी प्यारी कलगी होती है। क्या होती है? कलगी। कुकु मुर्गे की भी तो कलगी थी। हाँ कलगी। वो तो तुम्हें खूब याद है। मोर की कलगी ऐसी लगती है जैसे उसने मुकुट पहन रखा हो। अरे भाई, मोर के पंख काफी लंबे होते हैं। उनके पिछले सिरे पर नीले रंग के चंदोबे होते हैं। अरे भाई, गांव के ग्वाले इन्हें बीन बीन कर इकट्ठा करते हैं और इनका मोर छल बनाते हैं और पंखे भी बनाते हैं। हाँ
हवा हांकने वाला पंखा। अरे बच्चों, मोर उड़ता भी है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा जमीन से उड़कर किसी पेड़ की डाल पर जा बैठता है या एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ही उड़ पाता है। अरे दुम का बोझ जो बहुत होता है। जानते हो बच्चों मोर क्या खाता है? अरे भाई ये कीड़े मकोड़े खाता है। इनका भोजन इसे बहुत पसंद है। कान खजूरा, सांप, छिपकली, मेंढक और बहुत से कीड़ों को ये बड़े प्रेम से खाता है। अच्छा तो प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें एक कविता सुनाऊं? सुनोगे ना? अच्छा तो सुनो। वन में मोर खुशी से नाचा, उसने पंख पसारे। ओए होए भाई, तुम भी मेरे साथ साथ जोर जोर से बोलो। बोलो। वन में मोर खुशी से नाचा, उसने पंख पसारे। नील गगन में छिटक पड़े हों, जैसे अगणित तारे, जैसे अगणित तारे। काली काली उठी घटाएं, आसमान में बादल छाए। पिहू पिहू कर मोर पुकारे, छम छम नाच दिखाए। नाच नाच कर खूब मोर ने सबका मन बहलाया। जंगल में मंगल कर उसने जीवन सफल बनाया। कहो बच्चों कैसी लगी ये कविता? बहुत अच्छी लगी दादाजी, पर आपको मोर की कोई कहानी नहीं आती दादाजी? हाँ हाँ सो तो आती है, सुनोगे कहानी? अच्छा तो भाई तुम्हें मोर की कहानी सुनाऊं। लो सुनो। प्यारे बच्चों, गांव की पोखर के किनारे एक पेड़ के ऊपर रहता था एक मोर। वो मचाता था खूब शोर, शोर सुनकर डर जाते थे चोर। चोरों ने सोचा, गांव में चोरी करने जब हम जाते हैं तो ये मोर पीहू पीहू करके गांव वालों को जगा देता है, हमारा सारा काम गड़बड़ कर देता है। क्यों ना इसे पकड़ लें और रस्सियों से जकड़ दें, फिर इसकी अकड़ निकाल दें। भाई सब चोरों को ये बात पसंद आई, पर मोर को पकड़े कौन? एक चोर ने सब चोरों पर उंगली रखते हुए कहा, अक्कड़ बक्कड़ भंबे भों, 80 90 पूरे 100। जानते हो बच्चों, जिस चोर पर 100 आया उसी चोर को पकड़ना था मोर।
उसने दिन भर लगाई घात, फिर हो गई आधी रात, पर मोर ना आया हाथ। एक दिन, दो दिन, तीन दिन और ऐसे ही लगातार 7 दिन चोर आता रहा, मोर को पकड़ने की घात लगाता रहा, पर हर बार मुंह की खाता रहा। आखिर एक दिन उसे गुस्सा आ गया, उसने अपनी चादर हाथ में ली और मोर के ऊपर फेंक दी। मोर पहले तो चकराया, फिर जल्दी से उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। नीचे झांका तो देखा चोर खड़ा है। मोर बोला, अरे चोर भाई, ओए होए, तुम तो बहुत अच्छे हो भैया, बहुत ही अच्छे हो। क्या ये ओढ़नी तुमने मेरी मोरनी को ओढ़ने के लिए दी है? वो बहुत दिनों से मुझसे ओढ़नी के लिए कह रही थी, सो आज मुझे मिल गई। चलो बहुत अच्छा हुआ, अब ओढ़नी मोरनी को जाकर अभी दे देता हूँ। मोर के ऊपर उस चोर की चादर पड़ी थी। हाय हाय, मोर के चक्कर में चोर की चादर और चली गई। अब तो चोर बहुत रोने लगा। उसकी चादर जो चली गई थी, फिर वो मोर के हाथ जोड़ने लगा चोर। मोर फिर बोला, तू चोर, मैं मोर, अब तूने मुझे पकड़ने की ठानी तो याद आ जाएगी तुझे नानी। अरे जाजा, चल यहां से, चोरी का धंधा छोड़, मेहनत करके कमा और खा। चोर ने कान पकड़े और कहा, मोर राजा, मैं हारा और तू जीता, अब मैं चोरी बोरी कभी नहीं करूंगा, मेहनत करके कमाऊंगा और खाऊंगा, पर मेरी ये चादर तो दे दे, अरे मैं ठंड में अकड़ जाऊंगा। ये सुनकर मोर को दया आ गई, उसने चादर नीचे गिरा दी। चोर उस चादर को लेकर भाग गया। तो प्यारे बच्चों, फिर वो मेहनत करके कमाता और खाता रहा, फिर उसने कभी चोरी नहीं की। बच्चों, तो कहानी खत्म, पैसा हजम। अच्छा बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी। राम राम। भाई वाह, दादाजी ने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई, चोर और मोर की। तो दोस्तों, आप कहो जय हिंद। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम।